Welcome to the channel. I am Poonam Dua from Ament Education Academy of Literature. Today I am going to discuss a Sindhi short story, Very Lonely She. This is a Sindhi story which is a recognized language of Indian Constitution. Sindhi is a recognized language of Indian Constitution. Please do not forget to share and subscribe the channel. You can also contact us to join our online and offline classes by sending a WhatsApp at the given number. आइए मिलते हैं उस राइटर से जिसने एक छोटी सी स्टोरी लिखकर एक बहुत ही बड़ा मैसेज दिया है इनका नाम है मोतीलाल जोटवानी। इनकी मृत्यु हो चुकी है 2008 में और ये पैदा हुए थे 1936 में 1936 में ये पैदा हुए थे सुक्कर सिंध में जो कि अब पाकिस्तान में है लगभग साठ से ज्यादा बुक्स इन्होंने लिखी हैं हिंदी इंग्लिश और सिंधी सभी लैंग्वेजेस में जो ये जानते थे और सबसे ज्यादा इन्हें जाना जाता है डिक्शनरी ऑफ सिंधी लिटरेचर लिखने के लिए साथ ही साथ इन्होंने गांधी जी पर भी एक बुक लिखी है जिस बुक का नाम था गांधी जी ऑन सिंध एंड सिंधी इस बुक को उन्होंने लिखा है विद द असिस्टेंस ऑफ के आर मलकानी के आर मलकानी भी बहुत ही रिनाउम्ड जर्नलिस्ट हिस्टोरियन और पॉलिटिशियन रह चुके हैं जो टवानी की डेथ हो गई थी टू में टू बी प्रोसाइज ट्वेंटी जनवरी टू थाउजेंड एट और पुणे में उनकी डेथ हुई थी कार्डियरेस्ट लेटेस्ट नो समथिंग मोर अबाउट द स्टोरी वॉज ओरिजिनली पब्लिश इन हिंदी विद द टाइटल अकेली अकेली हो जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके वेरी लोनली शी कर दिया गया एंड इट वॉज पब्लिश इन क्वार्टरली जर्नल सिप्पून सिपून नाम का एक जर्नल था इन मुंबई फ्रॉम जुलाई टू से उसमें पब्लिश हुई थी द स्टोरी हैज़ बीन ट्रांसलेटेड बाई द राइटर्स ओन ब्रदर ओन ब्रदर डॉक्टर नंदलाल जोटवानी हु इज ऑल्सो ग्रेट राइटर स्टोरी के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ एक नेफ्यू है ऑन हिज वे बैक टू दिल्ली एंड ही प्लेस ह विजिट टू हिज मासी हु इज लिविंग अलोन इन अ डिफरेंट टाउन आगरा एंड शी द मासी रीकॉल्स अ पेनफुल रिमार्क मेड बाय अलोज यंग रेलेटिव तो वो यंग रेलेटिव मासी को याद दिलाता है कि किस तरीके से मैं बिल्कुल लोनली रहती हूँ और बहुत ही बहुत ही रेअर कोई कभी मुझसे मिलने आता है The nephew discovers that they also have been guilty of neglecting her and uh, they are having guilt kind of feelings and they are having their own regrets. Now, let us get acquainted with the characters. There are only two characters shown in the story. One is an old lady who is addressed as Puran Masi. मैं यहाँ पर नाम लिख देती हूँ जिस नाम से उनको एड्रेस किया जाता है इनको पूरन मौसी नाम से एड्रेस किया जाता है स्टोरी में एंड द अदर वन इज मनोहर इनका नाम है मनोहर ये ऑफ कोर्स अपनी मासी को विजिट करने के लिए आते हैं जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था तो अदर वन मनोहर हूँ एड्रेस पूरन मासी पूरन मासी एक विडो है और अकेली रहती हैं आगरा में उनके इन लॉज और उनकी सिस्टर की फैमिली जिसमें से ही ये मनोहर भी है वो सब डेली में रहते हैं मनोहर इज सन ऑफ पूरन मासीज सिस्टर द स्टोरी बिगेन्स विद द अराइवल ऑफ मनोहर मनोहर के साथ ही स्टोरी शुरू होती है मनोहर अपनी मासी के घर आते हैं और किस तरीके से पूरी स्टोरी सिर्फ उनके कॉन्वर्सेशंस के थ्रू हमें पता चलती है कि वॉट इज गोइंग ऑन विद द लाइफ ऑफ बोथ सो द स्टोरी स्टार्ट विद द अराइवल ऑफ मनोहर एट हाउस ऑफ पूरन मासी एंड आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम ही इज एट दिस प्लेस ही वॉज गोइंग टू डेली फ्रॉम भोपाल एंड ड्यूरिंग वन हॉल्ट ऑफ द ट्रेन एट आगरा ही थॉट ऑफ मीटिंग हर ऑन तो कोई ऐसा नहीं है कि बहुत सोच कर सिर्फ मासी से मिलने ही आया है एक ट्रेन का हॉल्ट था वहाँ पर तो आगरा के नाम से उसको याद आ गया कि चलो यहाँ पर अपनी मासी से भी मिल लिया जाए तो देखिए मासी किस डायलॉग के साथ मनोहर का स्वागत करती है फ्रॉम विच डायरेक्शन सन हैज राइजन टू डे आई होप यू कैन सी दिस रिटर्न ओवर हेयर ये हम बोलते हैं ना जनरली जब कोई भी बहुत ही अनयूजअल सी बात होती है जो नहीं हो रही है बहुत सालों से और एक दिन अचानक से हो जाती है तो हम कहते हैं कि आज सूरज कौन सी दिशा से उगा है या कि आज मौसम खराब है आज बारिश हो रही है क्या जो तुम हमसे मिलने आ गए सो दिस वॉज द रिएक्शन ऑफ पूरन मासी एग्जैक्ट डायलॉग्स फ्रॉम विच साइट हैज सन राइज इन टूडे दिस वॉज रिएक्शन ऑफ पूरण मासी वेन शी सीज मनोहर एंड शी सीज वन मोर थिंग विच इज थॉट प्रोवोकिंग एक्चुअली नाउ दैट यू आर हेयर माई नेबरहुड विल नो दैट ओल्ड वमेन इज नॉट अनकेयरड फॉर तो शी सेज कि अब जो तुम यहां पर आए हो तो लोग ये जान जाएंगे मेरे आस पास के कि इस बूढ़ी औरत की भी कोई देखभाल करता है इसका भी कोई है So, these two dialogues of Puran Masi show that since a very long time she has not been visited by relatives, and this is the human nature. We do neglect the relatives, and especially the old relatives living at some distant places. Maybe humans do not have time for humans, and uh, this is the biggest tragedy of our life. Okay, let us continue the story and leave this thought aside for a while. तो अभी दोनों काफी बातें करते हैं एक दूसरे से कई दिनों के बाद मिले हैं एंड ड्यूरिंग द चैट द रीडर्स कम टू नो दैट पूरन मासी विजिटेड दिल्ली इवन लास्ट ईयर आफ्टर द डेथ ऑफ दर एल्डर लॉ जिसको हम हिंदी में जेठ कहते हैं और उसके बाद से जब वो वापस आई है लगभग एक साल होने को आया किसी ने भी उनकी कोई खोज खबर नहीं ली वेदर शी इज अफ और नॉट एंड शी एंड दिस कॉन्वर्सेशन वेरी डिसहार्टनिंग डायलॉग विच इज वेरी ट्रू एज वेल फॉर डेली पीपल आई मस्ट से डेली फॉक्स डू नॉट है सिर्फ डेली के लोगों के लिए नहीं आज कल के हर मॉडर्न मैन की बात हो रही है मेरे ख्याल से कि किसी के भी पास किसी के लिए वक्त नहीं है सम हाउ अ वेरी बिटर ट्रूथ सो ड्यूरिंग द शॉर्ट स्टे ओवर देयर मनोहर रियलाइजेस दैट हिस्स मासी हेज टेकन अ ग्रेट केयर ऑफ हिज लाइक्स एंड हिज डिसलाइक्स तो मासी मनोहर की बहुत ही अच्छे से देखभाल करती है मनोहर को पसंद है एक बड़े से कप में बिना शुगर की चाय पीना वो उसके लिए उसी तरीके से सर्व करती हैं चाय विच ही वॉज हैबिचुअल ऑफ सो दिस बेसिकली शोज दैट नो मैटर वी थिंक और टेक केयर ऑफ आर एल्डर्स और नॉट बट आवर एल्डर्स आर आवर बेस्ट विल विशर एंड नो एवरी थिंग अबाउट अर्स मासी ऑल्सो प्रिपेयर्स आलू पराठा एज पर मनोहर चॉइस तो उसकी हर पसंद हर नापसंद का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखे हुए हो मासी एंड ड्यूरिंग दिस मील शी आस्क अबाउट दि डॉटर ऑफ मनोहर यंगर सिस्टर विमला यहाँ पर थोड़ा सा एक टर्निंग पॉइंट आता है स्टोरी में जब मनोहर से बातों ही बातों में वो उसकी यंगर सिस्टर और सिस्टर के बच्चों के बारे में भी पूछती हैं तो सडनली मनोहर को एक रियलाइजेशन होता है वो रिकॉल करता है एक मिस हैपनिंग जो कि फैमिली में हुई है और वो विमला मासी को बताना ही भूल गए इट वाज द डेथ ऑफ विमलास हस्बैंड लास्ट ईयर व्हिच हैपेंड ड्यू टू अ हार्ट अटैक मासी इज कंप्लीटली ग्रीव स्ट्रिकन आफ्टर नोइंग दिस ऑफ कोर्स शी शुड हैव बीन सच अ ग्रेव ट्रेजेडी अकर्ड इन दी फैमिली एंड नो वन केअर टू इनफॉर्म हर

इसके बाद ये दोनों आपस में ज्यादा बात नहीं कर पाते और हमारी स्टोरी इन लाइंस के साथ एंड हो जाती है एग्जैक्ट लाइंस मनोहर पिक डिशेस एंड पुट देम इन द किचन सिंग देन ही रिटर्न टू द फ्रंट रूम वेयर ही ले डाउन ऑन अ अट अ पिलो बीनीथ हिज हेड देन ही क्लोज हिज आईज ही डिड नॉट हैव दरेज टू फेस मासीज ग्रीफ एनी मोर। सो दीज आर दी लास्ट लाइन बेसिकली जिसमें दिखाया गया मनोहर का खुद का भी पेन और खुद का रियलाइजेशन और किस तरीके से वो अब मासी को फेस नहीं कर पा रहा है लेट लेटेस्ट डिस्कस दी थीम नाउ द स्टोरी बेसिकली मेक्स अस रियलाइज द वीकनिंग ऑफ फैमिली बॉन्ड्स टेकिंग प्लेस इन सिटी स्पेसिफिकली एंड पूर्न मासी स्टोरी इज नॉट हर्स अलोन सिर्फ उनकी स्टोरी नहीं है इट इज क्वाइट अ सजेस्टेड स्टोरी दैट गोज बियॉन्ड इट्स कैरेक्टर्स इट इज द स्टोरी ऑफ दोज इन्यूमरेबल दो नंबर ऑफ ओल्ड एज पीपल होम देयर रिलेटिव प्रैक्टिकली डिसोन हम डिसोन कर देते हैं उन लोगों को बिल्कुल एक यूजलेस एंटिटी की तरह एंड पूर्न मासी डेली फॉक्स हैव नो टाइम फॉर देयर किन्स कैन बी जनरलाइज एंड अप्लाई टू दी होल वर्ल्ड पूरन मासी ने एक बार इसी स्टोरी में कहा था ना कि डेली फोक्स के पास कोई टाइम नहीं होता अपने किन्स के लिए अपने रिलेटिव के लिए और ये लाइन सिर्फ पूरन मासी की लाइन ना होकर ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया पर अप्लाई की जा सकती है बड़े आराम से द होल वर्ल्ड इन विच पीपल हैव नो टाइम फॉर आदर्स I hope you liked the video. Please contact us to join our online classes. Thanks for watching and best of luck for your exams. And do not forget to share and subscribe the channel.